हे गाइस, कैसे हैं आप सब। प्लॉट साइज देखेंगे आज का, 30 बाय 37 फीट का। आज का हमारा टाइनी हाउस प्लान है, 1110 स्क्वायर फीट का नक्शा रहेगा। सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द सिंगल फ्लोर 9 लाख रुपया के आसपास है, 9 लाख रुपये। सो 23 गज का नक्शा है। 2 BHK हाउस प्लान विद ड्राइंग रूम एंड स्टोर। रेंट पर्पज के लिए है ये प्लान। स्टेयरकेस जो है वो आउटसाइड से है। सो आप इसी प्लान को टिपिकली ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको रेंटल प्रॉपर्टी बनाने की आप प्लानिंग में है तो। प्लान की फीचर्स देखने, टाइनी हाउस है, रेंट पर्पज, बाइक पार्किंग मिलेगी आपको, ड्राइंग रूम रहेगा, स्टोर है, 2 बेडरूम्स रहेंगे, 2 टॉयलेट है, किचन रहेगी, एंड आपके पास शाफ्ट है जिसके थ्रू आपके टॉयलेट जो है वो वेंटिलेट आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं वीडियो रेगुलर अपलोड करने की। सो चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारे जो प्लान्स हैं वो आप देख सकें। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। सो फ्रंट साइड रोड है, बाकी इधर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं। सो उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की है, बिकॉज उस तरफ हम अपनी ओपनिंग्स नहीं छोड़ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कवर्ड एरिया देखेंगे, 960 स्क्वायर फीट एरिया है ये। सो एंट्री करेंगे घर के अंदर, ये आपका मेन गेट रहेगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। सो ये फ्रंट लॉन रहेगा, यहाँ पर आप अपने लॉन या फिर आने जाने के लिए या फिर 2 व्हीलर वगैरह की आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये जो स्पेस है वो 6 फुट 3.5 इंच का है। एंट्री के सामने ही आपको स्टेयरकेस मिलेगी, इस वॉल को हटाते हुए आप चाहें तो यहाँ पे भी अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ से घर में आप एंट्री करेंगे, एंट्रेंस फॉर काइंड ऑफ आपका स्टेयरकेस एरिया रहेगा, यहाँ से आप चलेंगे फॉर द फर्स्ट फ्लोर। सो स्टेयरकेस जो आउटसाइड से है, घर के अंदर इसका कोई लिंक नहीं है एज सच। सो आप इसको रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से रेंटेड ऊपर जो है वो रेंट आप रेंट रेंट आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर डायरेक्ट, 11.5 बाय 13 फिट का आपका ड्राइंग रूम है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी सीटिंग रख सकते हैं, सी टाइप में। सामने वाली वॉल पे यहाँ पे आप अपने टीवी पैनल लगाएंगे। इस ड्राइंग रूम से आप एक्सेस करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका स्टोर है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने स्टोर के अंदर, 4.5 बाय 5 फुट 9 इंच का स्पेस रहेगा। आप चाहे तो उसका एज ए मंदिर भी यूज कर सकते हैं। इस वॉल पे आप अपनी जो आपका स्कल्पचर हो उसको रखें, सामने की तरफ आप यहाँ पे अपनी सेटिंग करें। 2 बेडरूम्स रहेंगे दोनों की तरफ। यहाँ से आप अपने बेडरूम में एंट्री करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला बेडरूम देखेंगे आप। 11 फुट 7.5 इंच 14 फुट 4 इंच का स्पेस है। इस तरीके से दरवाज़ा खुलेगा। इस वॉल पे आप अपनी अलमीरा लगाएंगे, इस वॉल पे हम अपना बेडिंग करेंगे। इस तरीके से आप बेड लगाएंगे, डबल बेड लगा सकते हैं आप यहाँ पे। सामने वाली वॉल पे आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। फ्रंट साइड में हमने इसको ओपनिंग दी है, आप चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, पूरी विंडो दे सकते हैं। इस तरीके से दरवाज़ा इस वॉल की तरफ जाके खुलेगा। अटैच टॉयलेट रहेगा इसके पास, रूम से इसके अंदर एंट्रेंस रहेगी। इस तरीके से दरवाज़ा रहेगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने टॉयलेट में। 5 फुट बाय लगभग 6 फुट का स्पेस है आपका, छोटा प्लॉट के हिसाब से छोटा टॉयलेट। आपका लेआउट देखेंगे, यहाँ पे आपका वॉश मशीन रहेगा, यहाँ पे WC रहेगी, और सामने की वॉल पे आप टैप्स वगैरह लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट साइड में हमने आपको किचन भी है, पैसेज के थ्रू आप किचन में एंट्री करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग से आप एंट्री कर रहे हैं। लगभग 7.5 बाय 10.5 फुट की आपके पास किचन है। एल शेप में हमने यहाँ पे स्लैब रखी है। लेआउट की बात करें तो इधर आप अपना रेफ्रिजरेटर रखेंगे, सेंटर में आप अपनी गैस स्टोव रखेंगे जो कि चिमनी के थ्रू वेंटिलेट रहेगा। सामने की इस स्लैब पे आप अपना सिंक रख सकते हैं। ये हमारा किचन का लेआउट था। सेकेंड बेडरूम देखेंगे, 11.5 बाय 14 फिट के आसपास इसका स्पेस रहेगा। इस तरीके से ये दरवाजा आपका जो है ओपन रहेगा। इस वॉल पे आप टिपिकली अपनी अलमीरा बनवाएंगे, और यहाँ पर आप अपनी बेडरूम रखेंगे। इस वॉल पे आप अपना टीवी पैनल लगा सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आपके पास शाफ्ट रहेगी, लगभग 9 फुट बाय 5 फुट का स्पेस है जो कि वेंटिलेशन के लिए यूज़ होगा। ये ड्राइंग रूम भी आपका स्टोर है, आपका जो बेडरूम प्लस ये जो टॉयलेट रहेगा इसकी भी। इस तरीके से ये दरवाज़ा खुलेगा। तो गाइस, ये शाफ्ट है जिससे आप जाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग रूम देखते हैं। ड्राइंग रूम का आप दरवाज़ा है इस तरीके से ओपन करेंगे, अगर आपको पीछे कॉमन टॉयलेट पर जाना है तो। साथ ही जो टॉयलेट का दरवाज़ा है वो इस तरीके से इस दीवार की तरफ खुलेगा। सो वो भी जो ड्राइंग रूम का आपके गेस्ट होगा या आप होंगे वो आप इस तरीके से इस टॉयलेट में एंट्री करेंगे। स्पेस जो है वो 7.5 बाय 5 फिट का स्पेस रहेगा टॉयलेट का। वेंटिलेट जो होगा टॉयलेट के डोर के ऊपर ही वेंटिलेटर हम प्लेस करेंगे। लेआउट देखेंगे, यहाँ WC रहेगी, ये वॉश मशीन रहेगा। फिर आप अपनी WC दे सकते हैं, सामने वाली वॉल पर आप टैप्स लगवा दें सो दैट आप बेदिंग पर्पसेज फुलफिल कर पाएँ। ताकि ये बेडरूम वाला भी इस शाफ्ट के थ्रू होते हुए मतलब तो इस कॉमन स्पेस के होते हुए इस टॉयलेट को यूज़ करें। तो 30 बाय 37 फिट का ये पूरा प्लान देखें, इस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको प्लान कैसा लगा। कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें सो दैट इस पॉड साइज का किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको ये प्लान जो है वो एज एन गिफ्ट प्लेस कर सकें। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।